जी जनाब क्या है आपके अच्छा आज कनाडा का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ है जिसके मुताबिक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है कनाडा की फोर द मंथ ऑफ सितंबर 1.6 परसेंट आई है मैसि रिडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस वन विच वाज अगस्त तो जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने इस इन्फ्लेशन को फुल डाउन किया है वो है ऑयल प्राइसेस ठीक है गैस प्राइसेस हम देख रहे हैं पम्प के ऊपर 1.48, 1.46 इस पर चल रही है चूँकि पिछली प्राइस से काफ़ी नीचे है इसकी वजह यह है कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनमें स्लम्प आया हुआ है यानी कि ओपेक की सप्लाई रिडक्शन के बावजूद प्राइसेस ऊपर नहीं गई क्या वजह इसकी उसकी वजह है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे डिमांड नहीं है डिमांड साइड पे आपके पास आ, इतना ज़्यादा पुल नहीं है कि जो प्राइसेस को ऊपर लेके जाए तो सप्लाई रिडक्शन होने के बावजूद ऑयल प्राइसेस जो हैं जो यू एस क्रूड ऑयल है वो सेवेंटी टू डॉलर पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है तो उसकी वजह से ऑफकोर्स कनाडा में भी जो गैसलिन प्राइसेज हैं उनमें कमी आई है तो वो एक मेन फैक्टर है इस सी पी आई को पुल डाउन करने का अगर हम दूसरे पैरामीटर देखते हैं शेल्टर फूड स्टिल अबव फैट्स बैंक ऑफ कैनेडा टारगेट ठीक है तो क्या मतलब इसका इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात ये बिल्कुल भी हाउसिंग के लिए बुलिश नहीं है हो भी सकता है आई कुड भी रॉन्ग लेकिन मेरी एनालिसिस ये कहती है कि हम जो हैं वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं अब आप इसको डिप्रेशन कहें आप इसको रिसेशन कहें इट डजेंट री मैटर रियलिटी ये है कि जो इकॉनमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो ग्रो करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ठीक है नेगेटिव ग्रोथ इसको हम कहते हैं और सच बात यह है कि अगर हम जीडीपी को इकॉनमी कैसे मेजे करते, है? करते हैं जी डी पी के जी डी पी से मेजर करते हैं जी डी पी इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग एट एग्रीग्रेट लेवल जब आप दो मिलियन लोग बुलाते हैं कंट्री के अंदर पिछले दो साल में ऑफ कोर्स उससे जी डी पी ऊपर नजर आएगा जो इमिग्रेंट्स आते हैं पैसा खर्च करते हैं रेंट पे करते हैं फूड बाई करते हैं ठीक है क्लोदिंग बाई करते हैं ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों में स्पेंडिंग को बूस्ट मिलता है इमिग्रेशन से जो कि हमें जी डी पी पर नज़र आया है लेकिन जो ट्रू वे ऑफ मेजरिंग इकोनॉमी है खास करके कनाडा की वो है जीडीपी पर कैपिटा वो तो पिछले आठ क्वार्टर से नेगेटिव ऑलरेडी है ठीक है तो हम मजीद अब स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं जब हमें इन्फ्लेशन भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है दैट मीन्स प्राइसिस आर स्टिल गोइंग अप, ठीक है लेकिन एट ए लोअर फेस लोग मुझसे कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन कैसे कम हो गया प्राइसेस तो अभी भी इतनी ऊपर जा रही हैं दैट्स ट्रू इन्फ्लेशन का मतलब हर किस ये नहीं है कि प्राइसेस कम हो रही हैं इन्फ्लेशन इज अ रेट ऑफ चेंज कितनी तेजी से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं दैट्स हाउ वी मेजर सी पी आई तो अगर सी पी आई वन पॉइंट सिक्स परसेंट आया है दैट मीन्स पिछले साल सेप्टेंबर से इस साल वन पॉइंट सिक्स परसेंट प्राइसिस इंक्रीज हुई हैं दैट्स हाउ यू मेजर इन्फ्लेशन ठीक है इन्फ्लेशन इज़ जस्ट अबाउट हाउ रैपिडली द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग प्राइसेस आर स्टिल गोइंग अप ये जमें रखिएगा अच्छा अब होगा क्या अब होगा ये कि बैंक ऑफ कैनाडा जो है उनको एक दोबारा एक्सक्यूज़ मिल गया कि भाई अब हम 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे क्योंकि फेड ने भी कर दिया है फिफ्टी बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई है और अनएम्प्लॉमेंट भी जो है वो अबव सिक्स पॉइंट फाइव है जो कि इट्स नॉट रियली गुड तो अब हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी इकॉनमी उसके लिए रेट कट होगा और हो सकता है पॉइंट फाइव परसेंट मोस्ट लाइकली हो क्या ये बुलिश है आई डोंट थिंक सो क्योंकि अगेन मेरी वो बात याद रखिएगा कि इकानमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जब इकॉनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है जॉब लॉसेस होते हैं डीलसीज uh, होती हैं कितनी सारी जो है हमने बैंक का अभी जिक्र सुना है तो उस केस में हाउसिंग बूम कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है अगर आपको ये यकीन नहीं है कि आपकी जॉब कल सलामत रहेगी नहीं रहेगी हाउ वुड यू मेक श्योर दैट यू कैन अ फुट मिलियन डॉलर ऑफर ऑन अ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट तो ये सारा कुछ ह्यूमन सेंटिमेंट के ऊपर होता है बायर साइकोलॉजी ठीक है वो इस वक्त नेगेटिव है तो जब तक वो चेंज नहीं होती हाउसिंग का बूम होने का चांस बहुत कम है हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इकॉनमी ठीक है और दूसरी चीज ये कि इन्फ्लेशन को जब आप कंपाउंड करते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स देन यू रियलाइज हाउ मच परचेजिंग पावर यू हैव लॉस्ड ठीक है न, years, lost, ये एक जरा चार्ट देखिए आप कि चार साल पहले जब इन्फ्लेशन ऊपर गई यूएस इन्फ्लेशन के हिसाब से जो चीज़ें आप पहले हंड्रेड थाउजेंड डॉलर की खरीद सकते थे अब आप वो ख़रीद रहे हैं हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड डॉलर की यानी कि बीस हज़ार डॉलर की परचेजिंग पावर लॉस्ट हो चुकी है पिछले दो सालों में इन्फ्लेशन की वजह से और इन्फ्लेशन जो है वो कंपाउंड होता है तो पिछले चार सालों में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आया है उसके बाद यू में अगर आप हैं तो आप बीस हज़ार डॉलर की परचेजिंग पावर खो चुके हैं अपनी तो अब आपको समझ में आया कि इन्फ्लेशन किस कदर डेंजरस चीज़ है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए You will lose a lot of purchasing power from your currency. Anyway, comments me daak video share kijiye apne comments bhi or pasand like aayi to video like kijiye share kijiye aur subscribe door kijiye ga. Thank you very much. If you are an investor in the U.S. in Canada or in Europe and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because. We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon this the concept of crowdfunding, so it is democratizing the entire investment strategy and, and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property; you right? can be part of the pool that can actually own a piece of property. A piece of real estate so that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up so as you start investing into it you can not only own a bit of bit of a real estate but you also get a portion of the rental income on monthly basis so it's a passive investment strategy diversifying your portfolio from traditional north american or european markets into dubai which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time so so don't delay there is a link down there in the description if you click on this it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with and you can thank me later